हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि एक छोटे से रूम की सेटिंग आप किस तरीके के साथ कर सकते हैं और किस तरीके का फर्नीचर आप अपने रूम के लिए ले सकते हैं। ज़्यादातर कोशिश कीजिएगा कि आप फर्नीचर अपने रूम के लिए बनवाएं, क्योंकि छोटा रूम होता है तो बड़े सोफ़े या बेड नहीं आ पाते, तो इस वजह से आप अपने रूम के हिसाब से उसे बनवा दीजिएगा। और इस वीडियो के ज़रिए आपको बहुत ही आइडिया मिल जाएगा कि आप किस तरीके का फर्नीचर बनवा सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा, बने रहिएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये रूम इतना छोटा सा ही है, इसकी छत देखिए, बस बीच में एक पंखा लगा हुआ है और ये इतना सा ही है। तो और ये देखिए, एक दीवार पर ये सब में पूरे में विंडोज़ लगी हुई है ताकि कमरे में कोई घुटन ना हो और परेशानी ना हो। तो एक दीवार में आप इस तरह से पूरे में विंडो लगा सकते हैं। और ये देखिए, आप अपने एक दीवार पर इस तरह के स्लेब वगैरह बनवा सकते हैं जिसमें आप अपना सामान, फोटो फ्रेम, शोपीस वगैरह रख सकते हैं। और ऊपर की तरफ ये छज्जा बोल सकते हैं, टान जो भी बोलते हैं आप, उसमें सामान वगैरह आप अपना रख सकते हैं। एक साइड देखिए, ये कबर्ड आ चुकी है, यहाँ पे मेरा ट्राइपॉड रखा है। और आप ये देखिए, एक कॉर्नर में ये आ जाएगा आपका दीवान बेड। अगर आप अपने रूम के लिए सोफ़ा बनवाना चाहते हैं और सोचते हैं सोफ़ा बहुत बड़ा आता है, तो आप इस तरह का सोफ़ा बनवा सकते हैं अपने रूम के लिए। ये छोटे रूम के लिए बहुत कम्फर्टेबल और अच्छा है, और ये काफ़ी लंबा भी सोफ़ा बन जाता है, तो 3-4 लोग आराम से इसे बैठ जाएंगे। और अगर आपके रूम में इस तरीके का कोई पिलर है और सोचते हैं कि ये नहीं हो पाएगा, तो आप इस तरह से कट करके इसमें एडजस्ट करके इसे बनवा सकते हैं। बहुत सही लग रहा है, अच्छा लग। और एक साइड आप इस कोने के लिए इसी डिज़ाइन की एक चेयर भी बनवा सकते हैं, तो ये बहुत अच्छी लगती है और एडजस्ट भी हो जाती है। आप अपने रूम के लिए इस तरह की टेबल बनवा सकते हैं अपने सोफे के साथ। ये ज़्यादा बड़ी भी नहीं लगती और छोटी सी रहती है, लंबी रहती है, तो अपने रूम के लिए सही रहता है। और ज़्यादा मेहमान आ गए तो आप इस तरह से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें इस तरह का एक ये बैंड टाइप का लगवा दीजिएगा, इसको इस तरह से खड़ा करके, और ये इसमें इस तरह का लॉक होता है, तो आप ये इसमें एडजस्ट करके ये लग जाता है, तो ये आपकी टेबल ये बड़ी भी हो जाएगी और लंबी भी हो जाएगी, तो आपको ईजी हो जाएगा। तो आपको ये छोटे से रूम की सेटिंग कैसे लगी? आपके रूम में सोफ़ा भी आ गया, टेबल भी आ गई, बेड भी आ गया। इस तरह से आप अपने फ़ोटोज़, शोपीस वगैरह अपने रूम में रख सकते हैं, जो कि बहुत अच्छे लगते हैं। और एक साइड में ये आप अपना सोफ़ा, एक चेयर रख लीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी है, आपको पसंद आई है, इतनी सी पसंद आई है, अगर काम आई है, तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट सब कर दीजिएगा। और साथ ही मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिएगा, आपको सामने मेंशन हो जाएगा। थोड़े बहुत वीडियोस मैं भी बना लेती हूँ, और देखना चाहेंगे तो मुझे फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, या रेसिपी के साथ, ब्लॉग के साथ, या किसी यूज़फुल वीडियो के साथ। चलिए, अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। बाय।